आठ सूत्री मांग को लेकर हजारों आदिवासी एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी की। पखांजूर के सद्भावना भवन में एकजुट हुए आदिवासियों ने सबसे सिलेगार में घटित हुई घटना में मारे गए 3 आदिवासियों को नमन किया। उसके बाद हजारों आदिवासियों ने रैली के माध्यम से पखांजूर सद्भावना भवन में SDM कार्यालय तक पहुंचे। आदिवासियों की मांग है कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू की जाए, साथ ही 1 साल पूर्व सिलगेर में हुए घटना में दोषियों को सजा देने के साथ पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। इसके अलावा हसदेव अभ्यारण्य की कोयला खदान को पूर्ण रूप से बंद करने जैसे कुल 8 मांग शामिल है। आदिवासियों ने पखांजूर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर अमल करने और निराकरण करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान आदिवासी प्रमुखों ने कहा कि जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आदिवासी पुनः बड़े आंदोलन की ओर रुख करने को मजबूर होगी। सियाराम पुड़ो ने कहा कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को लागू करने समेत पूर्णतः पालन करने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं, बावजूद हमारी मांग को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सिलेगार में पिछले साल हुए घटना में हमारे 3 आदिवासी मारे गए हैं, जिसके लिए सरकार और सरकार की नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने निर्दोष और निहत्य आदिवासियों पर फायरिंग कर निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी, जो लोग वहां अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद साल भर से पूरा आदिवासी समाज समूचे बस्तर में पीड़ितों को न्याय देने और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर लामबद्ध है। बावजूद कुंभकर्णी नींद में मशगूल सरकार आदिवासियों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। आज पूरे बस्तर में जो पिछले 1 साल से लगातार जो आंदोलन चल रही है और उसमें जो शहीद हुए थे उनके वर्षगांठ के रूप में आज पूरे बस्तर में मनाए जा रहे हैं, और हमारे सर्वज समाज का यही मांग है कि उनके जो हत्या किए हैं, जो हत्या के दोषी हैं, उनको तत्काल कार्रवाई हो और उनके जो परिजन हैं उनको मुआवजा मिला जाए। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसके जिम्मेदार खुद हो। काफ़ी संख्या में एकजुट हुए हैं, क्या क्या मांग सुनिए? हमारे हमेशा से ही मांग रहती है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र का और हमेशा उसमें 5वीं अनुसूची का पूर्ण रूप से पालन हो ये दर्शाया जाता है। उनके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम हमेशा सिलगेर कांड हो गया और हमारे पेशा कानून को लागू करने के संबंध में ये पूरा मिलाकर 8 सूत्री है। इसमें एक नया है कि अभी जो हसदेव अभ्यारण्य में जो कोयला खदान चालू करने का निर्णय ले रहे हैं और जिसमें इतने संख्या में पेड़ों को कटाई हो रहा है, जिसको हमने आदिवासी एरिया में जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ पेड़ों को संरक्षित करके रखते हैं, लेकिन सरकार ने पेड़ों को काटने का काम करती है जिससे हमारा पर्यावरण में प्रदूषण होने के चांसेस रहती है। और आज हम एक मजदूरी करते हैं तेंदुपत्ता का तोड़ करके, उनका जो भुगतान लेने के लिए हमको बैंकों का लाइन लगाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तेंदुपत्ता का हम जितने भी मजदूर हैं उनको नगद भुगतान किया जाए, ताकि तेंदुपत्ता को इतना परेशानी से तोड़कर पैसा को भी उतना ही परेशानी से लेना पड़ता है, इसलिए हम नगद भुगतान का मांग करते हैं। 1 महीना पहले आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल जो CM से मुलाकात की थी, क्या सकारात्मक परिणाम मिला? हमने मुलाकात में चर्चा यही रहा कि 1 महीना के अंदर में आपने जो जो बातें रखी हैं उनका मैं 1 महीना में विचार करके आपके पक्ष में बात रखूंगा, आपके पक्ष में ले आऊंगा, ऐसा कहा था, फिर भी आज तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। अगली रणनीति क्या होगी? अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया जाएगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। क्या लगता है CM आदिवासियों के मांगों को लेकर गंभीर है? वो जरूर, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है बस्तर में, पूरे बस्तर संभाग ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो आदिवासियों के हित का काम करता हूँ इस प्रकार उनका सरकार है, तो हमें जरूर लगता है कि हमारे आंदोलन को देखते हुए हमारे मांगों को जरूर पूरा करेंगे।